हेलो फ्रेंड्स, नीलिमा क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये स्टार शेप डोरमेट बनाना बताऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 25 फंदे डाल लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, पहले फंदे को एक दो बार बीन लेंगे। पहले ही लाइन से बीन रहे हैं, पहले फंदे को दो बार बीन लेंगे, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे बीन लिए, फंदे को सामने ले आएंगे, बाकी फंदों को उल्टा ही बीनेंगे। इसमें सीधा नहीं बीनना है किसी में भी, सिर्फ उल्टा ही, सिर्फ सामने वाले में एक फंदे को दो बार बीन लेना है। और यहाँ पे आके तीन फंदों को छोड़ के वापिस हो जाना है। तो चलिए इसको बुनते हैं। देखिए तीन फंदे रह गए हैं अंत में, और इस सब को इसी तरह उल्टा ही बीन लिए हैं। अब इसे पीछे की तरफ कर लेंगे और फिर इस सबको उल्टा ही बीन लेंगे। ये देखिए लास्ट में जब यहाँ पे हम लोग एक घर बढ़ाए तो उसे भी बीन लेंगे और इसे भी बीन लेंगे। ये बीन लिए, ऐसे ही पहले फंदे को भी बीन लेंगे इस तरह दो बार। दो बार बीन लेंगे, इसे सामने ले आएंगे, फिर से यहाँ पे जाएंगे, तीन फंदों को छोड़ के वापस हो जाएंगे। ऐसे लगभग हम लोगों को 10 बार करना होगा, क्योंकि हम लोग का 25 फंदे हैं, तो तीन तीन बार करके छोड़ेंगे तो 8 फंदे हैं। 8 बार घूमना पड़ेगा हमको, और उसके बाद हर एक लाइन में एक एक फंदा बढ़ेगा भी, तो 8 फंदे बढ़ेंगे तो और दो बार हम लोगों को लगभग फिर से घूमना होगा, इसीलिए 10 बार घूमना पड़ेगा इसी तरह से। तो देखिए इसको बिनते बिनते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग का 25 फंदा था, तो इतना दूर तक ये 25 फंदा हम लोग का हो गया है। तीन तीन फंदों को छोड़ते हुए यहाँ तक 25 फंदों तक हम लोग छोड़ दिया है। लेकिन अब हम लोग को यही नहीं रुकना है, अब इसमें क्या करना है वैसे ही करते जाना है। पहले फंदे को दो बार बिन लेना है, पहले फंदे को दो बार बिन लेंगे, और जैसे छोड़ते हुए जा रहे थे बिल्कुल वैसे ही छोड़ते हुए ही जाना है। देखिए बिनते बिनते यहाँ आ गए, फिर से जिस तरह तीन तीन फंदे छोड़ रहे थे बिल्कुल वैसे ही छोड़ देंगे। मतलब पूरा इतना दूर कंप्लीट करना है तीन तीन फंदों को छोड़ते हुए, तो जो पत्ती निकलेगी, जो कली बनेगी, वो नुकीली टाइप की सुंदर सी बनेगी। देखिए ये अंत में ये तीन फंदों को भी छोड़ के वापस हो गया। अब तो इसमें सिर्फ 4 फंदे रह गए हैं, तो इसे भी बिन लेते हैं। देखिए फिर से फंदों को बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक इसे बीन लेंगे दो बार। ये देखिए इसे दो बार बीन लिए, और ये तीन फंदे थे तो इसे छोड़ देंगे, पीछे से इन दोनों को बीन लेंगे घुमा करके। देखिए ये हो गया, अब एक ही लाइन में सबको बीन लेंगे, ये पूरे लाइन को बीन लेंगे इसे सिंपल से। अब इसको बीनते हुए हम लोग पीछे की तरफ से जा रहे हैं। ये देखिए अब हम लोग यहाँ पे बीनते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ा रहे थे इस तरफ से, अब क्या करेंगे दो घर को एक कर देंगे, इस तरह से दो घर को बिन के एक कर देंगे। और पहला बार हम लोग दो बार इधर ही बढ़ाए थे, फिर मुड़ गए थे, दोनों को बिन लिए थे। यहाँ पे हम लोग हटा दिए हैं, तो फिर पीछे इस तरफ से इसको बिन लेंगे। ये देखिए ये बिन लिए इसको, अब फिर दो घर का एक घर करेंगे।
पहले में हम लोग बढ़ा रहे थे, अब घटा रहे हैं। ये देखिए घटा दिए, दो का एक कर दिए। और फिर हम लोगों का यहाँ पे तीन फंदा था, तीन फंदा बिन के मुड़ गए थे इस तरफ में। तो देखिए ये इसका सेंटर का ये मतलब है, इसके साथ एक चला गया तो ये दो बच गए। तो इन दोनों को बिन लेंगे और इस फिर मुड़ जाएंगे। इन दोनों को बिन लिए मैं और अब इसे मुड़ जाएंगे। ये देखिए मुड़ गए, अब इधर से भी बिनाई कर लेंगे। अब यही करना है, दो 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 फंदों को एक कर देना है ऊपर से और नीचे से तीन तीन फंदों को बिनते हुए बढ़ते जाना है। देखिए ये फिर है यहाँ पे दो, इन दोनों को एक कर देंगे। ये एक कर दिए, अब ये दो तो ये तो बिन ही रहे थे, अब ये तीन रह गए हैं, इन तीनों को भी एक साथ बिन लेंगे। ये एक को बिन लेंगे, इसे बिन के तो मुड़ चुके, अब ये तीन को भी बिन लेंगे। अब इधर से तीन तीन फंदों को उठाते जाएंगे, उधर से हम लोग तीन तीन फंदों को छोड़ते हुए जा रहे थे, इधर से तीन तीन फंदों को उठाते हुए जाएंगे। ये देखिए इसके सेंटर का ये आ गया, इसके सेंटर का ये उठा बिन लिए। अब यहाँ पीछे पर उलट जा रहे हैं, अब इसको इस तरह से बिन लेंगे पीछे की तरफ। बिनने से समझ में आने लगेगा कि कहाँ से मुड़ना है, सबका सेंटर मिलते जाएगा। ये देखिए इधर आ गए, फिर यहाँ से दो घर घटा देंगे, इधर बिनने हैं। अभी ये तीन फंदों को उठा लेंगे और फिर मुड़ जाएंगे और यहाँ पे एक एक घर घटाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर ये तीन फंदों को बिन लेंगे, मुड़ जाएंगे, फिर यहाँ पे एक घर घटा देंगे। इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह कर लेंगे, इसको दो को एक कर लेंगे पहले, ये कर लिए, अब इन घरों को बिन लेंगे। हाँ यहाँ तक बिना था, अब ये तीन फंदे उठेंगे, इनको ऊपर उठा लेते हैं। देखिए इसके सेंटर में का बिना गया, अब इसे पलट जाते हैं। देखिए एक पत्ती के शेप पे जैसे निकल गया, ये पीछे की तरफ इसकी बिनाई कर ले। देखिए ये घटते घटते यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हम लोग बिनते हुए आए हैं, फिर ये तीनों को भी तीन को बिन लेंगे इसी के साथ में और फिर लौट वापस मुड़ जाएंगे। देखिए इन तीनों फंदों को बिन लिए हैं, फंदे को पीछे ले जाएंगे और सिंपल सी बिनाई कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ यही बात ध्यान देना है कि इधर से दो दो घटाना है और इधर से तीन तीन बिन के वापस तीन बिन के फिर इधर वापस हो जाना है। देखिए अभी तीन बिन लिए हैं और फिर वापस अभी हो रहे हैं पीछे की तरफ। देखिए हम लोग बिनते हुए सामने आ गए, तो वही चीज करेंगे इसमें भी, ये दो फंदों को एक साथ बिन के घटा देंगे और फिर ये सीधी तरफ है। तो देखिए यहाँ तक बिनाई हो चुका था, अभी और हमको एक बार दो बार और दो बार इसमें घूमेंगे तो ये पत्ती तैयार हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको यहाँ बिनते बिनते अब यहाँ जाएंगे तो ये कवली अब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग पीछे से यहाँ से एक नया कपड़ा लगाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक कली इस तरह निकला हुआ बनेगा। चलिए इसको करते हैं। देखिए ये कंप्लीट हो गया है, अब यहाँ से हम लोग नया कलर लगाएंगे, तो ये वाला यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। देखिए इसमें 25 घर ही रह गए, जितना यहाँ पे था उतना ही है, और फिर से वही करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अब बढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए इस लाइन को पहले बिन लेते हैं। तो देखिए अब सामने में आ गए, तो यहाँ जिस तरह बढ़ाए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बढ़ा देंगे। एक फंदे को दो बार बिन लेंगे इस तरह से, इस तरह से दो बार बिन लेंगे। ये देखिए बढ़ गया, अब इसको सामने ले आएंगे, फिर बिनते हुए जाएंगे और तीन फंदों को छोड़कर फिर वापस हो जाएंगे। इसी तरह जिस तरह इसमें किए थे बिल्कुल वैसे ही सारी कलियों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स तीन तीन फंदों को छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे आ गए, ये इसका मिडल वाला पोर्शन है इस तरह से। अब हम लोग यहाँ पे एक ही साथ सारे फंदों को एक कांटे पे बिन लेंगे उल्टा,
उसके बाद घटाना शुरू करेंगे, दो फंदों को एक करेंगे। चलिए इसको करते हैं, पहले पहले सारे फंदों को एक साथ बिन लेंगे। देखिए हम लोग एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बिन कर वापिस आ गए हैं। तो इसमें यही करना है, समझना वही यही है कि जिस तरह इसमें इधर से ही बिनना है और फिर वापस हो जाना है। तो पहले यहाँ से घटाना है, तो दो फंदों को एक साथ घटा लेंगे। ये देखिए इस के वापस मुड़ जाएंगे। अब यहाँ से तीन फंदों को, ये एक दो तीन, तीन फंदों को बिने। और धागा पीछे कर दिए और पीछे से बिन लेंगे। अब पीछे से बिन लेंगे, फिर दो फंदों को घटाएंगे। पहले शुरुआत वाले को इधर से एक कर देंगे इसको, फिर ये तीन थे तो इनको बिनेंगे। फिर तीन फंदों को, ये देखिए गैप जैसा समझ में आ रहा है, इस गैप के बाद तीन फंदों को बिन लेंगे और फिर वापस हो जाएंगे। देखिए इसका सेंटर में इधर में हम लोग हुए थे, वही हुआ है। ऐसे ही करके तीन तीन फंदों को उठाकर मुड़ जाएंगे, फिर उठाएंगे फिर मुड़ जाएंगे, इधर से नहीं छोड़ेंगे, इधर से ही उठा के मुड़ जाएंगे। इस तरह से घटाते हुए इस कली को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह इसकी भी कली निकल रही है और इस तरह से बन रहा है। इसी तरह हम लोग तीन तीन फंदों को उठाकर वापस मुड़ जाएंगे। इसी तरह हम लोग अब सारी कलियों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने ये डोरमेट बना ली हूँ। तो इस तरह से इसकी सारी कलियाँ इस तरह से अब बन गई हैं। इसी तरह से आप भी कोशिश करिएगा और कहीं असुविधा हुई तो ज़रूर हमसे पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स हमारी वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं और नए वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। बाय।